बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है, जिंदगी बहुत कीमती है इसे संभाल के रख, कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है, सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है, दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है। पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है, अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रामझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन और कोरोना महामारी के संक्रमण के डर से कई ऐसे जोड़े जो विवाह के बंधन में बंधने को बेताब थे, वे अब महामारी के लंबे खींचने से प्रशासन के द्वारा अनुमति दिए जाने के कारण उपयुक्त लगन पाकर जून में शादी की तैयारी में जुड़ गए हैं, जिसके कारण इस माह रायगढ़ जिले में 5,000 से भी अधिक शादियां होने का अनुमान है। देखिए रिपोर्ट। जैसे कि आपको पता है, शादी में बहुत सारे रस्मों के अलावा बाजा गाजा, नाच गाना, सामूहिक भोज और बहुत कुछ होता है, और अब यह सब नहीं हो पाएंगे क्योंकि जरूरी रस्मों के अलावा बाकी सब करने के लिए भीड़ इकट्ठा नहीं किया जा सकता। इसके लिए वर वधू दोनों पक्ष को मिलाकर अधिकतम 50 की संख्या निर्धारित कर दी गई है। यही नहीं, महामारी से बचाव हेतु अनुमति के साथ जो नियम शर्त है उसका भली भांति पालन करना जरूरी होगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। आपको बता दें कि विवाह की अनुमति के लिए संबंधित क्षेत्र के तहसीलदारों को अधिकृत किया गया है। अभी हम तहसीला पिलबरम किला में है, जहाँ पर शादी की परमिशन लेने के लिए लोग उमड़ रहे हैं, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते अभी तक बहुत सारे शादी रुकी हुई थी। अभी जून में लग्न ज्यादा होने के कारण लोगों की भीड़ उमड़ रही है। रायगढ़ जिले में 5,000 से ज्यादा शादी जून में ही होना है। सारंगढ़ विभाग में 6,000 से ज्यादा परमिशन हो चुका है। बरम किला में 166 आवेदन अभी तक अनुमति ले चुके हैं। आने वाले समय में और भीड़ बढ़ने की संभावना है, लेकिन इस शादी में विवाह में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, नियमों का पालन करें, सख्ती से कड़ाई हो, इस दिशा में ध्यान देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि 5,000 से ज्यादा शादी रायगढ़ जिले में होना है। अभी जून माह में अच्छा लग्न होने और बरसात के शुरू हो जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य चालू हो जाने के कारण शादी कर लेने की सबको हड़बड़ी है, जिसके कारण से रायगढ़ जिले में इस माह 5,000 से अधिक शादी होने का अनुमान है। इसमें अकेले सारंगढ़ में ही 1,000 से अधिक अनुमति ले चुके हैं। बरमकेला में लगभग 200 पहुंचने वाला है। ऐसे ही समूचे जिले में अनुमति और सादगीपूर्ण विवाह पर लोगों का आखिर क्या कुछ कहना है। चेतन दास मणिपुरी, ग्राम धुमावा ठाले, तहसील ऑफिस शादी के परमिशन में आ रहे हैं। बस डाल ले हैं जी। का नाम है? कृपाराम सिदार। ये मोर भाई के शादी कर रहे थे, परमिशन बर आए रहे हैं, परमिशन अगर मिल गई से और ये परमिशन लेके जाते हैं, सच बच कर वो शादी पर भी आके कुछ दिक्कत तो नहीं हुई परमिशन में? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं। शादी की अनुमति प्रमाण पत्र लेकर आए रहे, दो दिन पहले दे रहे हैं, शनिवार के दे रहे हैं। तो आज मिल किसे की कैसे? हाँ, मिल किसे यार, छोड़छन थोड़ी आते नहीं आए कि नहीं आए कि सोमवार के मैंने मिले के वही तो कल काम में नहीं आ पाए। हाँ, बस वो सोशल डिस्टेंस के पालन करना है, मास्क लगाना है, भीड़ भाड़ करना नहीं है। नहीं ठीक है, इसमें खर्चा वर्चा का भी बचत होते, बाकी जो हु हल्ला भी होते, बेकार गैदरिंग जो होते थे, मैं भी बढ़िया में नियम में पालन कर ले ठीक हो रही है। आपको यह भी बता दें कि अनुमति की इस प्रक्रिया में अब ऑनलाइन सुविधा भी दे दी गई है, जिससे लोग चॉइस सेंटर से भी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? चॉइस सेंटर में है, यहाँ जाना चाहें तो मेरा नाम जितेंद्र सिन्हा है। ऑनलाइन के माध्यम से शादी का परमिशन मिल रहा है शादी, जिसके लिए लड़का और लड़की का आधार कार्ड और उसके माता पिता का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, ये 2 से 3 दिवस के बीच में हो जा रहा है। बरमकेला विकास खंड में आज की स्थिति में 166 आवेदन आए थे, 166 आवेदनों को निराकृत कर दिया गया, विवाह की अनुमति प्रदान कर दी गई। इसमें क्या क्या नियम और शर्त हैं, किन चीजों का पालन करना जरूरी है? विवाह की अनुमति में अधिकतम 50 लोगों को दोनों पक्ष मिला के सम्मिलित होने की अनुमति है, और सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं करना है। विवाह के आवेदन के लिए वर वधु पक्ष के दोनों का आधार कार्ड की कॉपी लेते हैं। इसके अतिरिक्त जो सम्मिलित हो रहे हैं, दो तीन व्यक्ति जो मुख्य व्यक्ति हैं, उनका भी आधार कार्ड लिया जाता है, और ये सुविधा भी ऑनलाइन भी करने की सुविधा प्रदान कर दी गई है 2-3 दिन से।
लोक सेवा केंद्र के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। कहीं से भी अनुमति लें, कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होनी है। ध्यान रखने वाली बात तो यह है, बस अनुमति के साथ दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई होने पर लेने के देने भी पड़ सकते हैं। वहीं खुद की और अपनों की सुरक्षा और बचाव के लिए जिम्मेदारी बनती है कि बचाव के सारे उपायों को अपनाया जाए। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रामझाझर।